हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद पूरे पश्चिमी एशिया में इस वक्त युद्ध का माहौल है, लेकिन जो हानिया था वो आखिर कैसे मारा गया? बड़े गुपचुप तरीके से वो रह रहा था, कतर में रह रहा था, बड़े दिनों से उसकी तलाश की जा रही थी इसराइल की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। आखिर क्या हुआ? ईरान पहुंचा और ईरान पहुंचने के बाद कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। आज इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक है। मयंक, हानिया की मौत ने कड़ी सवाल खड़े कर दिया है। हानिया वो शख्स था जो कि बहुत दिनों से इजराइल जिस पर नजर रखे हुआ था, खासतौर पर इजराइल में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसके बाद से, लेकिन उसका कुछ पता आता नहीं चल पा रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ? कहां से क्लू मिला इजराइल को, या कैसे उसकी मौत के लिए पूरा प्लान किया गया, जरा बताइए हमारे दर्शकों। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछली बार जब पिछले साल इसराइल पे हमला हुआ था, उसके बाद से मोसाद और इसराइल की एजेंसियां जो है वो इस्माइल हनिया पर उन्हें खोजने की कोशिश कर रही थी, और पिछले काफ़ी समय से ऐसा बताया जाता है कि वो कतर में थे, आपने बताया, और वहीं से ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन इस बार एक ऐसी गलती हो गई, ऐसा माना जा रहा है कि इस्माइल हनिया ने एक ऐसी गलती कर दी जिसका नतीजा जो है उन्हें जान देकर चुकाना पड़ा। असल में ये तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे, और इन्होंने रिलीजियस जो लीडर हैं उनके अताउल्लाह खुमैनी, उनसे भी मुलाकात की। अब इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आ गई, और वहाँ के ईरान के न्यूज़ चैनल इसको अपने चैनल्स पर दिखाने लगे। तो उसके बाद ये हुआ कि ये पिछले 7-8 महीने में ऐसा पहली बार हुआ जब इस्माइल हनिया की लोकेशन क्या है इसके, हाँ, ये जैसे जो कि इतने सिक्योरिटी में रहना और लोकेशन ना बताना, छिप छिप के रहना, उसके बाद इतना बड़ा लूप फॉल्स क्या हो जाता है? देखिए, एक तो एक इसकी वजह ये है कि इस्माइल हनिया जो है उनके लिए ये एक बड़े प्रेस्टिजियस की बात की तौर पे दिखाया जा रहा था कि वो ईरान के राष्ट्रपति की जो है शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल हो रहे हैं, आयतुल्लाह खुमैनी से मुलाकात कर रहे हैं, तो वो हमास के एक आतंकी संगठन का चीफ अपने आप को एक इस तरह से पेश कर रहा है कि वो कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल लीडर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में क्या हुआ कि ईरान की जब ये मुलाकात हुई, इसके जो विजुअल्स थे वो ईरान के सब न्यूज़ चैनल्स पे चलने लगे, सोशल मीडिया में वायरल होने लगे, और ये इसके महज एक घंटे के अंदर मुसाद को जो है उसकी लोकेशन जो है वो ट्रेस हो चुकी थी। मुसाद के बारे में बताइए। अच्छा, मुसाद जो है इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है, इसको बहुत डेडली माना जाता है। ये अपने दुश्मनों को हमेशा घर में घुस के मारने के लिए जानी जाती है। मैं आपको दो ऑपरेशंस के बारे में बताता हूँ। एक तो 1972 का ऑपरेशन था रैथ ऑफ गॉड, म्यूनिख में ओलंपिक हो रहे थे जर्मनी में, और इसमें इसराइल के 11 खिलाड़ी थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद मोसाद ने ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा था इन्होंने रैथ ऑफ गॉड, और इन्होंने इसराइल के खिलाड़ियों की हत्या जिन्होंने की थी उनको चुन चुन कर एक एक आतंकी को घर में घुस के मारा। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था। और ऐसी एक 1976 का ऑपरेशन था, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ये ऑपरेशन थंडरबोल्ट भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इसमें एक प्लेन को, फ्रांसीसी प्लेन था, इसको हाईजैक करके इसे युगांडा ले जाया गया था, और 96 इसमें जो है वो यात्री जो थे, इसराइल के काफ़ी सारे यात्री थे, मोसाद ने ऑपरेशन चलाया और उस प्लेन के अंदर से सभी यात्रियों को रिहा करवा लिया। कुल मिला के कह दिया जाए कि मोसाद अपने दुश्मनों को बिल्कुल नहीं छोड़ता है और चुन चुन के मारता है। और इस बार भी जिस तरह से इसराइल में हमला हुआ, और कहते हैं कि 1200 लोग मारे गए, बच्चे बूढ़े हर तरह के, उसके बाद से वो लगातार अगर बात की जाए हानिया की, तो उसे ढूंढ रहा था और बस एक मौके की ज़रूरत थी, जो मौका उसे ईरान में मिल गया। अच्छा नीलू, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि ये हमला हुआ कैसे। देखिए, जहाँ पे जिस जगह पर हानिया रुका हुआ था वो जगह बहुत ही सिक्योरिटी जोन में आती है, मतलब वहाँ पे आसपास जो है वो फोर्सेस तो थी ही, इसके साथ ही वहाँ पे रडार्स भी लगे हुए थे। ये ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पे कोई मिसाइल आ जाए या कोई ड्रोन अटैक हो जाए या एयर स्ट्राइक हो जाए, और ईरान की मौत के बाद तो ईरान के सिक्योरिटी सिस्टम पर भी सवाल उठा रहे हैं तो अब क्या है कि यहाँ पे जो रडार्स लगे हुए हैं ये लगातार जो है हर हरकत पे नजर रखते हैं, तो ऐसे में ये भी बड़ा थोड़ा सा आश्चर्यजनक है कि कैसे एक मिसाइल जो है वो ईरान के बाहर से अगर फायर की गई तो वो कैसे अंदर आ जाती है, वो ट्रेस नहीं होती है। अब इससे कई थ्योरीज ऐसी उठने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं, हालांकि
हालांकि इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन सवाल अब ईरान पे भी उठने लगे हैं कि आपके एक मोस्ट सिक्योरिटी जोन में हमास के चीफ की हत्या हो जाती है और ईरान की खुफिया एजेंसी इसको पता नहीं कर पाती है, रडार्स उसको ट्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये कई सवाल जो है ये ईरान के ऊपर भी खड़े हैं। और देखिए अभी तो नए राष्ट्रपति का चयन हुआ है, आप सोचिए उन पर दबाव कितना ज्यादा होगा, क्योंकि सिक्योरिटी लैप्स है। एक हमास का नेता जिसको कि ईरान लगातार सपोर्ट करता रहा है, चाहे वो हिजबुल्ला हो, हमास हो, हर को सपोर्ट करता रहा है ईरान, अब ऐसे में उसकी मौत के बाद बहुत सारे सवाल ईरान पर भी उठ रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि हमास ईरान सब मिलकर कुछ बड़ा प्लान करने की तैयारी में, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है और जो पश्चिमी एशिया का पूरा माहौल है इस वक्त थोड़ा टेंस है। लेकिन चूंकि हम गाजा पट्टी की बात कर रहे थे, उसमें एक तथ्य ये भी निकलकर सामने आता है कि गाजा पट्टी से ऑपरेट हमास कैसे करता है, क्योंकि 9 महीने से युद्ध चल रहा है। मयंक जरा उस बारे में भी बताएं। देखिए गाजा पट्टी में जो हमास के लीडर्स हैं, असल में हमास जो है ये दो तरह के लीडर्स के बीच में डिवाइडेड है, एक तो वो है जो कि गाजा में रह के ऑपरेट कर रहे हैं और दूसरे वो है जो कि गाजा के बाहर विदेशों से रह के ऑपरेट करते हैं। अब होता ये है जनरली कि ये जो लोग इनके जो लीडर्स गाजा में हैं, इनके बीच में और जो बाहर हैं इनके बीच में थोड़ा सा एक मतलब ट्रसल होती है हल्की सी, लेकिन इस्माइल हनिया वो नेता थे जो ये दोनों गुटों के बीच में हमेशा जो है दोनों को साथ लेके चलते थे, इसलिए इस्माइल हनिया की जो है इम्पोर्टेंस बहुत हमास में जो है क्रेडिबिलिटी दोनों बहुत ज़्यादा थी। अब इनकी मौत के बाद नेक्स्ट चीफ कौन होगा, गाजा को लेकर हमास का क्या रुख होगा, ईरान जो है वो ईरान तो कह रहा है कि भाई हमारे मेहमान की हत्या की गई है हमारे घर में, तो अब इसको ईरान कैसे रिटेलिएट करता है, ये सब चीजें अगले कुछ घंटों में काफी कुछ तय करेंगी कि पूरे रीजन में क्या हो रहा है। बिल्कुल ये सारी चीजें देखने की जरूरत होगी कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अगर इसराइल की बात की जाए और नेतन्याहू जो कि आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह से इसराइल में किया गया हमास की तरफ से हमला, बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसके बाद कहा यह जा रहा था कि पता नहीं नेतन्याहू का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, बहुत सारे सवाल थे जो बंधक है उनको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन मयंक आप लगता है कि जिस तरह से हानिया की मौत हुई है, मारा गया है, उसके बाद नेतन्याहू तो अभी फिलहाल पिच पर खेलते दिखाई देंगे इसराइल के राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल, ये नेतन्याहू के लिए भी और मोसाद के लिए भी, मोसाद पे भी सवाल उठ रहे थे कि भाई आप इसराइल में इतने सारे जो हमास के लड़ाके घुस जाते हैं और मोसाद को पता नहीं चल पाया, खुफिया एजेंसी को पता नहीं चल पाया, तो नेतन्याहू सरकार पे भी सवाल उठ रहे थे, मोसाद पे भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि नेतन्याहू जो है उनके लिए ये एक बड़ा गेन तो है, जीवनदान है, गेन है, और इसका इनका इसराइल में आंतरिक रूप से भी फायदा होगा और इंटरनेशनली भी इससे नेतन्याहू जो है वो एक और मजबूत नेता के रूप में फिर से एक बार स्टेबल हो पाएंगे। बिल्कुल, और थोड़ा सा भारत के रुख की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत इस पर कुछ नहीं कह रहा, अभी थोड़ा चुपचाप है, क्योंकि इस वक्त कहा जाता है कि जो इसराइल है, ईरान है, इराक है, मतलब जो पश्चिमी एशिया के देश है उसमें 9 मिलियन लोग भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं और साथ ही साथ आयात भी पेट्रोल का और डीजल का वहाँ से किया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा भारत कुछ कह नहीं रहा है। तो भारत की ये चुप्पी हम मान के चले कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ठीक है। मैं हाँ जी, देखिए क्या है कि भारत जो है ये इस पूरे हालात में हमारे जो है वो रुख एकदम साफ होता है कि भारत किसी भी आतंकी कार्रवाई का हमेशा विरोध करता रहा है। लेकिन जहाँ तक संबंधों का सवाल है तो हमने हमेशा देखा कि हम एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट पॉलिसी मान के चलते हैं, खासकर मोदी सरकार के आने के बाद तो ये एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर सामने आया है कि भारत अमेरिका से भी अच्छे संबंध रख रहा है, रूस से भी हमारे अच्छे संबंध है। तो ऐसे दोनों पक्षों के बीच में हम वही अपनी फॉरेन पॉलिसी का हमारा स्टैंड है जो कि देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बेहतर है, तो हम एक इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसी लेके चल रहे हैं, तो भारत इसी हिसाब से जो है इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से मौत हुई, किस तरह से राजनीतिक हलचल है पश्चिमी एशिया की, इस राजनीतिक हलचल पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।